मॉर्निंग गाइस, तो कैसे आप सब लोग, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। सो अभी सुबह सुबह उठा हूँ बिल्कुल, सो अभी मज़ा आने वाला है, देखते हैं पूरा ब्लॉग। गाइस अभी अपने कर लिया पूजा, सब खाते हैं अपना नाश्ता। नाश्ते में लगे चाय, नमकीन और बिस्किट। सो चलो खाते हैं, चलो निकाल के खाना। गाइस अभी दोपहर के खाने में बना है आलू के पराठे और चटनी। सो चलो खाते हैं इसे। अभी डाल रहा था पौधों को पानी, भाई सूख गए ना, देखो पौधे ही थे वो सूख गए कितने। सो ये देखो आ गया, क्या कर रहा है? चाय। और एक चीज नहीं खाऊं अभी? चालू हो रहा है अभी। मेरे जूते पहन के घूम रहा था अभी, अपने पहन लिए। तबीयत कैसी है तेरी आज? अच्छी है। अभी अच्छी इसलिए क्योंकि कल मम्मी ने बोल दिया कि कल परसों इसका एग्जाम है, उसको देने ही जाना है। अगर नहीं जाएगा तो फिर तो बेटे यार, इतनी कम क्यों बना रहा है? और बनाना, मैं नहीं पीऊँगा क्या? अच्छा ये भाई मेरे जूतों के पीछे पड़ा हुआ, कह रहा है कि आपका साइज आ रहा है मेरे को दे दो। नहीं मिलेंगे, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। चल चल चल। I am obsessed with this dish. मतलब मैं दिन में दो तीन बार तो खा ही लेता हूँ ये पिज्जा बना के भाई, जब से मेरे को ये वाली रेसिपी पता चली ना। तो गाइस अभी ये है, उठ के आया, अभी कह रहा है कि ना ये खाएगा। मैंने बोला भाई तेरी तबीयत ठीक है? कह रहा है कि मतलब कि स्वाद अच्छा हो जाएगा, खा लेगा ना बाद में, उल्टी पुल्टी मत करिए। इसकी तबीयत ठीक नहीं है भाई बिल्कुल। ये एग, इसके अंदर मतलब चिप्स होता है ना वैसे ही है, कह रहा है ये खाएगा। खाएगा तो भाई खोल ले, खोल ले, पता कैसा है अपनी का कुछ अलग ही। ये तो भाई ये तो पोपट हो गया, देखो चीज पोपट कोई स्वाद ही नहीं है। चीज बहुत अच्छी होती है इससे, उल्लू बना लो ब्रेड के नाम पे है। आज बना है खाने में दाल, चावल, रोटी और अचार। सो खाते हैं अब। अभी इसके साथ हो गया है मजाक बढ़िया, इसका कलर पेपर। और इसको लग रहा था कि भाई मैं इस बार भी छुट्टी कर लूँगा बस। और मम्मी कह रही है कि तेरे को कल जाना है, पेपर देकर आना है। किसका पेपर है मम्मी? किसका पेपर है इसका? SST का पेपर है। और भाई ने कुछ नहीं पढ़ा है कि तो इस बार तो भाई तू गया बेचारा। कभी कभार होता है, ज़िंदगी आपके साथ बहुत खेलती है। बेचारे का कल एग्ज़ाम है, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेगा। अभी बज रहे 11-12 बजे तक पढ़ लियो, क्योंकि अब इसकी तबीयत बिल्कुल हो गई है ठीक। और ये बंदा बना रहा बहाने, ये क्या कर रहा है, बना रहा है इसका SST का पेपर। और भाई चैप्टर आ रहे थे इसके, कितने आ रहे मम्मी चैप्टर इसके? 12 चैप्टर आ रहे हैं। बंदे ने कुछ नहीं पढ़ा, बोला आज ही पढ़ा था, ये आज पढ़ने बैठा है। इसको कल तक इसको लग रहा था कि यार रहने दो एग्ज़ाम में इस करेंगे, लेकिन मम्मी ने बोल दिया है कल जाएगा पेपर और देकर आएगा। वैसे भी 12 बजे तक आ जाएगा, 3 घंटे पे पेपर है, जाइए करवा के आ जाइए। सो गाइस अभी बज रहे हैं 12, सो मैं सोच रहा था थोड़ी आज प्रैक्टिस करते हैं। सो चलो शुरू करते हैं। गाइस मैंने अभी सेटअप कर लिया है, सो आज बनाएंगे हम ये। सो अभी सब कुछ सेटअप कर लिया है, शीट रख लिया है। गाइस अभी यार एक प्रॉब्लम हो गई है यार, मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे ये जो जैसे आप प्रेपर के ये जो टेक्सचर देख पा रहे हो ना, ये मैं मतलब फर्स्ट टाइम ही ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इतना मुश्किल हो रहा है ड्रॉ करने में। देखो मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ वो टेक्सचर लाने की, आ ही नहीं पा रहा। कैसे ना कैसे करके अब निकालता हूँ, 2 घंटे तो हो गए। मतलब मेरे को बस सीखना था कि अगर कभी वो आ जाए तो कैसे करेंगे। तो ये देखो अभी क्या हाल कर रहा है, तो पूरा तो करना है, तो चलो इसे पूरा करते। तो ले लिया, लेकिन भाई अब ख़त्म करने में हालत ख़राब हो रही है, तो जल्दी से करते हैं इसको ख़त्म, सोना भी है अभी। तो गाइस आज तो भाई हद ही हो गई। ये देखो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 एंड आई एम हियर। मैं बाहर दिखाता हूँ, क्या पता सूरज हो गया, सब सो रहे हैं। अभी देखो पूरा उजाल काला काला ही हो रखा, अभी तो उजाला भी नहीं, हल्का फुल्का जैसे हो जाता ना 4 बजे, बिल्कुल सन्नाटा। और हम अपना काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मतलब कितना बन गया। मतलब
90% बन गया है, थोड़ा सा बचा, मैं आपको या फिर एंड में ही दिखाता हूँ, क्योंकि अभी दिखा दूंगा ना फिर आपका सारा मज़ा गिरगिरा हो जाएगा। सुबह यार तो सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं सोचा नहीं था इतना लंबा खिंच जाएगा, 1 बजे शुरू किया था अभी 4 बजे, 3 घंटे हो गए। वैसे मेरा मेनली क्या रहता है, 1 से 1.5 घंटे में काम निपटाने का। अभी समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं ब्लॉग के एंड में बोलूँगा तो आप सभी को गुड मॉर्निंग बोलूँगा या फिर गुड नाइट बोलूँगा। गाइस मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज़ हियर, ड्राइंग अपनी रेडी हो गई है, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये थी अपना जिसको मैंने देख के बनाया, ये 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 और ये तो ठीक है। अब इसका मैंने मतलब लैंडस्केप मोड में बनाया था तो दिखाता हूँ डब्बे की। और मैंने एक और चीज़ मतलब जो लिखा विखा रहता है ना वो सब कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ मेन बॉडी बनाई है। सो 3 2 1 बताओ कैसा लगा। इसको बनाने में मेरे को आधी रात लग, पूरी रात लग गई। सो यार आप बताइए कि ये वर्थ इट है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक है। आप बताइए कि मतलब ये वर्थ इट था या नहीं था। मेरी पूरी रात लगी भाई, अभी बज रहे 4:30, 1 बजे बैठा था करने भाई, बहुत हालत ख़राब हुई। मैं टेंशन में पड़ गया यार, क्या चीज़ उठा ली मैंने, क्योंकि देखो आधा काम कर लो उसके बाद यार आप छोड़ नहीं सकते, आपको पूरा करना ही पड़ेगा चाहे वो जितना भी टफ क्यों ना। इतना सारा कूड़ा जमा, मेरी पेंसिल इतनी छोटी छोटी हो गई भाई, घिस घिस के। मतलब आप में से अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होएगा कि जैसे आप पहले पूरी टाइम लैप्स बना के वीडियो बनाते थे, अब आप वैसे क्यों नहीं बनाते। सो इसका सिंपल सा रीज़न है कि पहले मैंने अपने चैनल को पूरा का मतलब एक आर्ट चैनल के बेस पे ही बना रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब आर्ट से भी कुछ अलग करना चाहिए, इसलिए मैं बस आपको अपनी आर्ट दिखा रहा। उस समय क्या था, पूरा आर्ट ही था मेरा चैनल, तो अब मैं मतलब आर्ट से थोड़ा हटके कर रहा हूँ, सो सिर्फ मैं आप दिखाता हूँ, लेकिन अब वो टाइम लैप्स नहीं बनाता, क्योंकि उसके अंदर जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है ना वो है आपका कंफर्ट जोन चले जाता है। क्योंकि जब आप कोई कैमरा एडजस्ट करते हो तो कैसे करोगे, ये आपकी ड्राइंग है इसके ऊपर कैमरा रहेगा या साइड एंगल से रखोगे। सो मतलब जितनी देर के लिए भी काम करोगे तो आपको मतलब उस शीट हिलनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि फिर आपका एंगल ख़राब हो जाएगा। सो वो बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। अभी क्या है कि मैं बस चीज़ें सीख रहा हूँ, अभी मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि जैसे पहले था, मैं एनीमे की ड्राइंग बनाता था बहुत, क्योंकि उस समय अच्छा भी लगता था। सो अब उस चीज़ से मैं आगे बढ़ चुका हूँ, सो इसलिए अब मैं टाइम लैप्स नहीं बनाता। कभी कभार अगर कोई छोटी मोटी ड्राइंग होती है तो बना देता हूँ, क्योंकि ये बड़ी ड्राइंग थी, आप खुद ही सोचो ना, 1 बजे की बनाई थी मैंने। सो अभी बज रहे हैं 4:30, तो 3 घंटे में बनी है ड्राइंग। सो रात के समय फिर मैं उस समय फिर सेटअप भी करना पड़ता है, और इस वाले रूम में मैं सेटअप नहीं करता, उस दूसरा जो रूम है ना उसमें करता हूँ उसमें। सो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। सो आप सभी से मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। आज क्या बोलूँ, गुड मॉर्निंग।